स्वागत है, मैं हूँ प्रिया हिर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। अपने देश में पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितर नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। यह अमावस्या तिथि तक रहता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। आपको पितृपक्ष की तिथि के बारे में बताएं तो इस साल ये प्रतिपदा तिथि प्रारंभ जो होगी सितंबर 29, 2023 को दोपहर 3:26 से प्रतिपदा तिथि सितंबर 30 को समाप्त होगी और दोपहर 12:21 का ये समय रहेगा। इसके अलावा पितृपक्ष के अनुष्ठानों का आपको समय बताएं तो कुतुब मुहूर्त इसमें 29 सितंबर को दोपहर 11:47 से 12:35 तक रहेगा। इसकी अवधि 48 की होगी। रोहिणी मुहूर्त 29 सितंबर को दोपहर 12:45 से शुरू होकर 1:23 तक रहेगा और इसकी भी अवधि 48 की होगी। वहीं अपराह्न काल में 29 सितंबर दोपहर 1:23 से 3:26 तक रहेगी और इसकी जो अवधि होगा वो 2:23 की रहने वाली है। ये तो थी तिथि और किस तरह से किस समय आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी जो हमें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरा बिंदु, पितृपक्ष के दौरान कोई भी जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से आपके पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है, पितृपक्ष की अवधि को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। इस दौरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से भी आपको बचना चाहिए। अब आपको बताएं कि पितरों को आप कैसे याद कर सकते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त होते हैं। बता दें कि यहाँ सारी मान्यताएं, सारे जो मूल्य हैं, वो ज्योतिषाचार्यों द्वारा सहेजे गए हैं, समझाए गए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।